आते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी देश को करेंगे संबोधित। जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर होगा जोर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, आज कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे रात्रि विश्राम। निर्मला सीतारमण की बीमा कंपनी के प्रमुखों के साथ आज बैठक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लेकर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में राजौरी पुलिस और सेना के सर्च में मिला आतंकी ठिकाना, हथियारों का जखीरा बरामद। एक बार फिर बड़े बवाल की तैयारी में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और साथी टिकैत, क्रांति के नाम पर अराजकता का प्लान। किसान नेता राकेश टिकैत की हरियाणा सरकार को धमकी, अगर टोहाना और ड्रीम में गिरफ्तार किसान रिहा नहीं किए गए तो किसानों के साथ टोहाना थाने में दूंगा गिरफ्तारी। हरियाणा की खट्टर सरकार को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का चैलेंज, कहा जेले तैयार रखे सरकार, टोहाना में आज गिरफ्तारी देंगे हजारों किसान। राकेश टिकैत ने हिसार के मैयर टोल प्लाजा पर डाला डेरा, किसानों की रिहाई की मांग को किया प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कहा जब तक टोहाना प्रकरण में गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। तीनों कानूनों के विरोध में आज कृषि बिलों की जलाई जाएगी प्रतियां। बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों के सामने जलाई जाएंगी कृषि कानूनों की प्रतियां। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जलाई जाएंगी कृषि कानूनों की प्रतियां, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। चौहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली और साथी किसानों के हुए विवाद के बाद किसानों के पक्ष में उतरी कांग्रेस। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। सिंघू बॉर्डर पर साइकिल पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखवाकर घूम रहे किसान, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद किसान अपनी साइकिल को लेकर भागा। किसानों के बवाल को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, किसी को भी सिंघू बॉर्डर की ओर जाने की इजाजत नहीं। चिकरी बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर की तरह ही चाक चौबंद व्यवस्था, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने संभाला मोर्चा। यूपी समेत 6 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारियों के साथ आज समीक्षा करेंगे नड्डा। राज्य के चुनावों को लेकर मौजूदा हालातों से उभरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी, सेवा के संगठन अभियान भी लॉन्च करेंगे नड्डा। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को लेकर आरएसएस की रणनीति में जुटी, सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख की मौजूदगी में जल्द होगी बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में ही होगा अगला चुनाव, फिलहाल संगठन में भी नहीं होगा कोई बदलाव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भी नहीं बदला जाएगा। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सुपर इन्फेक्शियस, ब्रिटेन में मिले अल्ट्रा वेरिएंट से भी 50% तेज रफ्तार से इन्फेक्शन फैलाता है। कोविड के बाद पोस्ट कोविड बढ़ा रही है मुश्किलें, दिल्ली में सरकारी आईसीयू खाली लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी कई जगह फुल है वेंटिलेटर। अलॉक के बीच यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल में फिर दिल्ली लौट रहे प्रवासी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिख रही मजदूरों की भीड़। महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप, बीजेपी के मुताबिक सरकार ने कोरोना से मौतों के 40% आंकड़े छुपाए। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार के बचाव में कांग्रेस के दो बड़े नेता सामने आए। पीएम मोदी का वैक्सीन की बर्बादी रोकने का आदेश, हाई लेवल मीटिंग में कहा हर एक वैक्सीन मायने रखती है, जितनी बर्बादी मतलब उतने लोगों ने अपना डोज गवा दिया। भारत में 2 कंपनियां बनाएगी स्पुतनिक वी, डॉक्टर रेड्डीज के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट को भी रूसी वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिल गई है, टेस्ट और एनालिसिस करेंगी कंपनी। डैमेज कंट्रोल के तहत वैक्सीनेशन पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 18+ लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा वैक्सीनेशन, बची डोज वापस लौटाने का आदेश। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासित राज्य पर मुनाफाखोरी का लगाया आरोप, कहा मुफ्त में दी गई वैक्सीन को पंजाब सरकार निजी अस्पताल को बेच रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा निजी अस्पतालों ने जितने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं वो वापस हो और वैक्सीन जितने में मिलेगी उतने में ही लगाई जाए। बिहार में कंट्रोल में आ रहा है कोरोना, 24 घंटे में सर्वे 1106 नए केस, 2238 मरीज हुए स्वस्थ, 98% हुई रिकवरी रेट। राज्य में कोरोना की कुल 11430 एक्टिव मरीज। बिहार में ब्लैक फंगस लगातार पैर पसार रहा है, राज्य में ब्लैक फंगस से 2 मरीज की मौत हो गई है, 24 घंटे में 18 नए केस सामने आए। झारखंड में कोरोना पर लगी लगाम, 24 घंटे मिले हैं 478 नए मरीज, 1103 लोग हुए ठीक, राज्य में मिले 40 संक्रमित मरीज, 7 जिलों में कुल 13 मरीजों की हुई मौत।
झारखंड के सभी गांव में चलाया जा रहा है विशेष टीकाकरण अभियान, बोले अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार, कहा 18 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का है लक्ष्य, भ्रम फैलाने वालों को समझाया जा रहा है। नालंदा में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली में बेरोजगारी की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, डीआरसीसी भवन में भगदड़ का माहौल हो गया जिसके चलते बहाली की प्रक्रिया पूरी तरीके से बाधित हो गई। पटना के अशोक राजपथ स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जेसी रोड ब्रांच में 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वहीं बिहार झारखंड स्टेट बैंक अधिकारी संघ के उप महासचिव शिव आधार लाल के मुताबिक पिछले महीने भी बैंक में टीकाकरण किया गया था, लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। गया में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए टीका एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जिलाधिकारी और साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे। औरंगाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, कई लोगों ने घरों से निकलकर वैक्सीन लगवाई है और दूसरों से लोगों ने वैक्सीन लेने की अपील। गया में देखी गई कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी, देर शाम तक खुली दुकानें, थाना से महज कुछ दूरी पर लगा बाजार। सिमरन सोरेन की सार्थक पहल, चेन्नई से 36 प्रवासी महिलाओं की कराई गई सकुशल वापसी, लॉकडाउन के चलते ठप हो गया था रोजगार, सीएम ने रोजगार मुहैया कराने का भी दिया निर्देश। रांची के कई बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। रामगढ़ में सुरक्षित सप्ताह में दुकानें बंद पड़ी हुई है, इससे कपड़ा दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है, निराश कारोबारियों ने सरकार से गुहार लगाई। रिम्स अस्पताल में ओपीडी सेवा फिर से चालू करने की कवायद शुरू हो गई है, रिम्स के प्रो ने कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया को देखते हुए अगले हफ्ते से ओपीडी सेवा शुरू कर दी। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, कोरोना काल खत्म होते ही बिहार में होगा खेला, मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया पलटवार, कहा राजनीति में खेला कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। सीएम नीतीश ने कानून व्यवस्था पर आला अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा सभी थानों में हो रात्रि गश्त, स्पीड ट्रायल के साथ अपराधियों को दिलाए सजा, हर थाने में हो महिला पुलिस की तैनाती। मामले पर जेडीयू नेता अजय सिंह ने कहा टुन्ना पांडे ने बीजेपी में आकर हिंदुओं को ठग लिया और अब आरजेडी नेताओं का गुणगान करके वो मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं। विकास के मामले में फसड्डी साबित हुआ बिहार, नीति आयोग ने जारी किया एसडीजी इंडिया इंडेक्स, 52 के स्कोर के साथ बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन, तेजस्वी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी, कोविड से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स के लिए एक महीने के मानदेय की स्वीकृति, थोक शराब बिक्री भी निजी हाथों में देने की तैयारी। जेएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा न्याय छोड़कर भ्रष्टाचार की करने लगे हैं राजनीति, बीजेपी ने दी जांच करके कार्रवाई की चुनौती। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग रूल 2012 को मंजूरी, राज्यपाल ने लगाई मुहर, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दुमका में सीबीआर झारखंड की खबर का असर, पेयजल संकट पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लिया संज्ञान, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके पेयजल की स्थिति में सुधार का दिया निर्देश। भविष्य एनजीओ ने अपने विस्तारीकरण के काम में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है, संस्था ने बिहार राज्य के मधुबनी जिला स्थित कोठिया पंचायत में एक निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, निःशुल्क कंप्यूटर केंद्र खुलने से ग्रामीणों में उत्साह। कारगिल शहीद शिव शंकर गुप्ता के शहादत दिवस पर औरंगाबाद के एसपी समेत सैकड़ों लोगों ने शहीद पार्थिव की प्रतिमा पर मालार्पण करके श्रद्धांजलि दी। पटना से बेरिया पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से दक्षिण बिहार यानी कि नालंदा नवादा शेखपुरा जमुई के लिए बसें 15 जून से चलने लगेगी, वहीं 15 जुलाई से पूरे बिहार की बसें यहां से आएंगी और जाएंगी। पश्चिमी चंपारण के जिले के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के चांदपुर गांव ने अनोखी मिसाल कायम की है, चांदपुर गांव को छू भी नहीं पाया कोरोना, गांव वालों ने अनुशासन से कोरोना को हराया। पटना में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच में जमकर झड़प हो गई, इस दौरान एक पक्ष के दबंग लाठी डंडे और हाथों में पिस्तौल लहराते हुए विवादित स्थल पर पहुंचे, गोलीबारी की जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मधेपुरा में एक युवक को गांव की ही एक लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया है, गांव के लोगों ने युवक को पकड़कर खूंटे से बांध दिया, जमकर पिटाई की, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पटना सिटी में खाजवी कला थाना क्षेत्र के पक्की गौरैया इलाके में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। नालंदा में प्रेमिका के साथ फरार हुए प्रेमी की गलती की सजा, गांव वालों ने उसकी मां को दे दी, लोगों ने आरोपी युवक की मां को घर से जबरन उठा लिया और 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, महिला के बाल काटकर उसे गांव की गलियों में घुमाया गया। कटिहार के धोबापट्टी में कपड़े की धुलाई और आयरन के विवाद में महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, मामले में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
अरवल में एनएच 139 पर सड़क पार करने के दरमियान अनियंत्रित वाहन ने युवक को कुचल दिया, जिसकी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नवाबगंज जिले के वारिसलीगंज में संदिग्ध हालात में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। युवक एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, पुलिस छानबीन में जुटी। बेतिया के नरकटियागंज में सप्त क्रांति एक्सप्रेस से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान भोजपुर जिले के पीरो निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को उसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली से पटना का रेल टिकट बरामद किया। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पढ़ौती गांव के ग्रामीणों की ओर से लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन के बदले डीलर की ओर से पैसे लेने की शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक आरोपी डीलर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ग्रामीण नाराज। लातेहार सदर प्रखंड के हेट कोचरा पंचायत के ललगढ़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण मेला का आयोजन किया गया। टीकाकरण मेला में उपायुक्त अब इमरान ने शिरकत की और लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। विक्रम के नौबतपुर बाजार में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। कई दुकानदारों ने ना तो मास्क लगाया, ना ही बाजार आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। छपरा जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई, जानकारी के बाद पुलिस ने शव बरामद करके छानबीन शुरू कर दी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अतिथि गृह में डीएम संजय कुमार सिंह के साथ कोरोना को लेकर बैठक की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को लेकर पूर्वी सिंहभूम वन विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम में कई अधिकारी शामिल। सिमडेगा मंडल कारा में कार्यरत कक्षपाल को मंडल कारा में सप्लाई होने वाले राशन सामग्री के अलावा अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। कक्षपाल पर मंडलाकारा का राशन बेचने की शिकायत मिलने के बाद यह एक्शन लिया गया। विक्रम में सरकार की ओर से संचालित सामुदायिक किचन के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। यहां लोगों को भोजन तो दिया जा रहा है, लेकिन थाली से सब्जी गायब। पटना सिटी में गायघाट के पास बालू से भरी नाव गंगा में पलट गई, 10 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। लहरों में एक शख्स समाया, तलाश जारी। पटना के एक होटल में चल रही बर्थडे पार्टी में शराब और शबाब का कॉकटेल, पुलिस ने मारा छापा, 12 लोगों को किया गिरफ्तार, होटल को किया सीज। जहानाबाद मंडला कारा में 80 साल की कैदी के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, काफी दिनों से था बीमार। औरंगाबाद में हाईवे के चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पचरुखिया गया मार्ग को किया जाम। नवादा जिले के मंगूरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, परिजनों ने बताया कि शौच जाने के दौरान बिजली का तार टूटकर मृतक पर गिर पड़ा। पटना में नशा कारोबारियों का खेल, आइसक्रीम के ठेले पर बेचा जा रहा है नशे का सामान। भोजपुर एसपी ने सिविल ड्रेस में अपने कई अधिकारियों के साथ सड़कों पर निकलकर छापेमारी अभियान में हिस्सा लिया, संदिग्ध लोगों की जांच की और कई जगहों पर में आपत्तिजनक सामानों को बरामद किया। सिवान में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई, शव को अपने कब्जे में लेकर युवक की पहचान करने में जुटी पुलिस। सिवान छपरा रेलखंड दरौंदा स्टेशन के पास की है। एनआईए ने बिहार से बरामद 22 AK-47 बरामदगी मामले में घटना के 14वें अभियुक्त के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट विशेष अदालत में फाइल कर दी है। कया जिले के तेतर गांव के पूर्व मुखिया भी शामिल। औरंगाबाद पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 कारतूस बरामद किए। शेखपुरा में बालू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई, छापेमारी के अभियान में दर्जनों ओवरलोड बालू लदे ट्रक नवादा बॉर्डर के पास ही रोक दिए गए। रांची में शराब माफिया नरेश सिंघानी गिरफ्तार, जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत मामले में था फरार। अवैध बालू के कारोबार पर रोक लगाने के लिए धनबाद के एसडीएम और सीओ ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त किया, लगातार मिल रही थी शिकायत। पर्यटन स्थल डलहौजी में तेज बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट, भारी बर्फबारी से सड़कें हुई सफेद। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीने के पानी की जद्दोजहद, जलस्तर गिरने से जान जोखिम में डालकर कुएं से में उतरने को मजबूर ग्रामीण। 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में मॉनसून देगा दस्तक, 48 से 72 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक सख्त, 2023 तक सस्पेंड किया अकाउंट, कैपिटल में दंगे होने के बाद ब्लॉक किया गया अकाउंट। बड़बोले पाक पीएम इमरान खान का हवाई बयान, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बताया भारत से बेहतर, कहा कोरोना और आर्थिक चुनौतियों से डटकर लड़ा पाकिस्तान।
अब बैंक की छुट्टी वाले दिन भी मिलेगी आपकी सैलरी। एसआईपी बीमा की किश्त भी जमा होगी। 1 अगस्त से शुरू होगी नई सेवा। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने चीन की 28 कंपनियों को बैन किया। इनकी टेक्नोलॉजी के मानवाधिकार हनन में इस्तेमाल होने का आरोप। घरेलू बाजार में सोना चांदी के दाम में गिरावट। सोना 435 रुपए सस्ता हुआ। चांदी की कीमत में भी 932 रुपए की टूट। रॉकेट होते खाद्य तेल के दाम ने बाजार को गर्मा दिया है और साथ ही खाद्य तेलों के आयात को घटाने की तैयारी में सरकार। कोविशील्ड टेस्टिंग किट का इंतजार होने वाला है खत्म। कंपनी 1-2 दिन में बाजार में इसकी आपूर्ति करने जा रही है। ओलंपिक से 49 दिन पहले भारत को झटका। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल। भारत और इंग्लैंड के बीच में अगस्त में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी। कहा इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज जीतेंगे। ट्रॉलर्स के निशाने पर अभिनेत्री श्रुति हसन ब्लैक लिपस्टिक लगाने पर एक्ट्रेस हुई ट्रॉल। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने की शादी। फिल्म उरी के निर्देशक संग लिए साथ फेरे। सोशल मीडिया पर खुद शेयर की गुड न्यूज। आलिया भट्ट को पसंद है समुद्र किनारे समय बिताना। सोशल मीडिया पर आलिया ने शेयर किया खास वीडियो। सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर साझा किया अपना दिलकश वीडियो। फैंस ने दी सनी के अंदाज की तारीफ। सिंगर नेहा कक्कड़ ने खूबसूरत वादियों में बनाया अपना वीडियो। आते के साथ ही वीडियो इंटरनेट पर छाया।